हेलो स्टूडेंट, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन के एक्सरसाइज जो हमारे पास में 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। मींस क्या करना है हमको, √9.3 को नंबर लाइन पर क्या करना है, डिनोट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि √2 को कैसे डिनोट करते हैं, √3 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, एंड देन हमारे पास में √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। तो हम उसको अलग टाइप से डिनोट करते थे नंबर लाइन पर, और जो रूट में 9.3 इसको हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कि हम √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। तो √9.3 को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, √9.3 की एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मीन्स √9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ए एंड बी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो किया वो कितना किया, 9.3 सेंटीमीटर की हम लोगों ने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की। अब हमारे पास में क्या हुआ, इसके बाद में हमने क्या किया कि इस नंबर लाइन को जो 9.3 सेंटीमीटर की नंबर लाइन हम लोगों ने जो खींची ए बी, इसको मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, वो भी किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर मैंने एक्सटेंड किया जिससे कौन सा पॉइंट मिला मुझे, सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिला, सी पॉइंट। अब इसके बाद में मैंने क्या किया कि अब हमारे पास में टोटल जो लेंथ हो गई इसकी वो कितनी हो गई, टोटल जो लेंथ होगी हमारे पास में वो इसकी होगी 10.3। क्यों 10.3, क्योंकि 9.3 पहले से थी, उसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में, 10.3 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपास होता है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कंपास को हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर रखेंगे, और क्या करेंगे हम लोग इससे हाफ एंड मोर रेडियस लेकर हम एक आर्क कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, और उसके बाद में हम इस ए पॉइंट पर रखकर हाफ एंड मोर रेडियस लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। अब आर्क कट करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, आर्क कट हो जाएगा जिससे एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस एसी का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, देखिए हमने आर्क की सहायता से, तो हम यहां पर करेंगे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। मीन्स यहां पर हम लोगों ने मिला दिया, तो जिससे हमको क्या मिला, इस एसी पॉइंट का एसी का मिड पॉइंट मिला, जिसको हमने क्या नेम दिया, ओ नेम दे दिया। ठीक है, अब एंड देन हमारे पास में इसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर कंपास को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ पर रखते हुए फिर क्या करेंगे, वो यहां तक फैला देंगे उसको, कहां तक, ए तक, और ए तक फैलाने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि ये इस टाइप से हम क्या करेंगे कि ओ पर हम कंपास को रखते हुए फिर क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। कितना, 90 डिग्री का, मीन्स राइट एंगल क्रिएट करेंगे। अब हम लोग यहां पर डिवाइडर कंपास की सहायता से, जो प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, तो ये स्टेप से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ठीक, अब ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा जिससे हमारे पास कोई पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा हमारे पास में, डी। कोई पॉइंट क्या मिला, डी। देन हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, इसके बाद आप इधर इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, वो इसलिए एक्सटेंड किया ताकि हम यहां पर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने इसको आगे और एक्सटेंड कर दिया। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ हमारे पास में कि अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर कंपास को रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहां रखेंगे, और यहां से क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे, और आर्क कट करेंगे तो यहां पर ये नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं यहां पर एक क्या होगा, कट करेगा, और ये पॉइंट पी पर क्या करेगा, ये कट करेगा, जिससे यहां पर जो पॉइंट पी है वो किसको डिनोट कर रहा है, रूट में 9.3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहां पर जो बीपी होगा,
बी से पी तक, मीन्स जो बीपी की वैल्यूज होगी, बीपी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, रूट 9.3 की क्या होगी हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यूज आएगी, कहां पर, इस नंबर लाइन पर। किस पर? ये जो नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, इस पर जो रूट 9.3 को हम डिनोट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं हमारे पास में, रूट 9.3 को जो डिनोट कर रहे हैं हम लोगों ने, सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग से फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं यहां पर एक रफ में बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक 9.3 की क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको, ए बी पॉइंट मिलेगा, ठीक। फिर हम क्या करना है इसको, इस ए बी लाइन को 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, और ये 9.3 सेंटीमीटर पहले से थी हमारे पास में। अब इसको एक्सटेंड किया तो टोटल कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 10.3 सेंटीमीटर होगी। देन हम लोगों ने यहाँ पॉइंट कौन सा मिला, सी। फिर एसी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कंपास की सहायता से हमने क्या किया, हाफ एंड मोर रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ कट किया, इस पॉइंट से आर्क एक यहाँ कट किया, जिससे कि हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो जिससे हमको क्या मिला, इस एसी का मिड पॉइंट मिल गया। अब एसी का मिड पॉइंट मिलने के बाद इस ओ से कंपास की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, ओ पर हमने डिवाइडर को रखा और पेंसिल के नोक को यहाँ रखते हुए हम लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट जो बी था हमारे पास में, ये जो पॉइंट बी पर हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के बाद में इस लाइन को एक्सटेंड किया यहाँ पे। अब एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर कंपास की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, एक आर्क यहाँ कट कर दिया, जिससे पॉइंट पी मिला, और पॉइंट पी किसको डिनोट कर रहा है, रूट 9.3 को। मीन्स यहाँ पर जो बीपी की वैल्यूज बताई है मैंने आपको, बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो किस क्या होगा हमारे पास में, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप से हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।